हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नितिन भुयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो चैप्टर देखने से पहले सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ से आया वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, उसके बाद होल नंबर होते हैं, उसके बाद हमने इंटीजर्स बनाए थे, उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये सब को बना के हमने रियल नंबर बनाए थे और उनको लेके हम कैलकुलेशन करते थे। और साथ साथ में हमने सीखा है कि अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर होता है तो उसको मैं इमेजनरी नंबर बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं कैलकुलेशन, मेरे पास दो नंबर होते थे, एक था रियल नंबर और दूसरा था इमेजनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर मींस कौन से? अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 इज अ रियल नंबर, अगर मैं 4 लिखता हूं तो 4 इज अ रियल नंबर, अगर मैं 4.2 लिखता हूं तो दैट इज योर रियल नंबर। और इमेजनरी नंबर मींस क्या होता है? रूट के अंदर का हर एक निगेटिव नंबर, जैसे कि -3, अंडर रूट ऑफ -1.2, अंडर रूट ऑफ -2, दैट इज कॉल्ड योर इमेजनरी नंबर। ये सब क्या है? तुम्हारे इमेजिनरी नंबर है। और तो देखते हैं कि हमेशा ध्यान में रखना, अगर मेरे को कैलकुलेशन करना है तो रियल का रियल के साथ कैलकुलेशन होगा और इमेजिनरी का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है। देखो कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो सपोज नंबर सिस्टम को लेके मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था, नंबर सिस्टम को लेके कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करते करते जैसे कि मैंने 2+3 किया तो मेरे को 5 मिल गया, मैंने 2-1 किया तो मेरे को 1 मिल गया। ये तो इसके रिजल्ट आते थे क्यों? क्योंकि दोनों रियल थे। अब उसके बाद देखो, लेकिन कैलकुलेशन करते करते एक बार मुझे कुछ इस तरह के टर्म्स मिल गए, जैसे कि 2+√-3, उसके बाद 4+√-7, उसके बाद 6+√-13। ठीक है, तो देखो ये वाला कैलकुलेशन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि ये 2 था, इधर क्या था? √-3, क्योंकि एक रियल था तो एक क्या था? इमेजिनरी था। उसके वजह से मैं यहाँ पे आके रुक गया, मुझे कैलकुलेशन करते बनता ही नहीं था। तो फिर भी मैं तो इंसान हूं, मेरे को काढ़ा करने की आदत ही होती है, इसीलिए मैंने आगे चलने के कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लिखा 2+ और √, इसको मैंने लिख दिया -1√3। -1√3 means nothing but your -3। यहाँ पे मैंने लिखा 4+√-1/7 और यहाँ पे मैंने लिखा 6+√-1/13। -1√13, उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से यही रूट -1 को गया और यही रूट 3 को गया, तो ये बन गया 2, ये बना 2+√-1/√3। उसके बाद दूसरा जो था ये बना 4+√-1/√7 और उसके बाद इधर 6+√-1/√13। तो फाइनल कंक्लूजन ये था कि मैंने देखा कि सभी जगह पे √-1 कॉमन था, और तो √-1 का नामकरण मैंने, I से रिप्रेजेंट कर दिया। I stand for iota, ये जो I है that is nothing but your iota, ये क्या है तुम्हारा iota, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, I की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको ये करने के बाद ये कुछ इस तरह बन गया, जैसे कि ये बना 2+I√3, उसके बाद क्या बना 4+I√7, उसके बाद क्या बना 6+I√13। तो ऑब्जर्वेशन में आ गया कि इसका जनरलाइज कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, और इसका जनरलाइज फॉर्म लिखा मैंने a+ib।
ए प्लस आई बी और फाइनल कंक्लूजन था ये एक अपने खुद में एक नंबर है दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा नंबर था तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने बनाई थी, जनरलाइज फॉर्म हमने देखा ए प्लस आई बी। तो बेसिक डेफिनेशन आती है इसकी, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है, अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, अगर कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं। यानी आप लिख सकते हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कौन से फॉर्म में होता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको डिनोट किया जाता है z से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? z से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है z से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे a और b जो है, यहाँ पे a जो और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। यानी a और b की वैल्यू कहाँ से आने वाली है? रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। अगर और उसके बाद ये जो a है इसको बोला जाता है रियल रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और शॉर्टकट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है इसका रियल पार्ट, यानी re ऑफ z इज इक्वल टू a। यानी z इक्वल टू a प्लस ib अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट जो है वो क्या होता है? a होता है। और इसको डिनोट किया जाता है re ऑफ z दैट इज a। और यहां पे जो b होता है इसको बोला जाता है इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है आई एम ऑफ z दैट इज योर b। यानी नंबर वाइज a और b कहां से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। नंबर वाइज a और b कहां से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। लेकिन मैं अगर पार्ट वाइज बात करता हूं, तो a मेरा क्या है? रियल पार्ट है। और b मेरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? r of z equal to a। और इसको डिनोट कैसे करते हैं इमेजिनरी पार्ट को? I am of z equal to a। That is your complex number। That is your complex number। फिर से डेफिनेशन देखो, the number of the form a plus ib is called your complex number। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? z से। और रियल पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? a रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? b होता है। अब देखो, अगर ये नंबर है, अगर ये तुम्हारा नंबर है तो इसके बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी हुए होंगे, फंडामेंटल ऑपरेशन। जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए एडिशन का रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, डिवीजन का रूल होता है। सिमिलरली कैलकुलेशन इसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके भी खुद के एल्जेब्रिक रूल्स है जिसको मैं फॉलो करके कैलकुलेशन कर सकता हूँ। देखो, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर मान लो पहला फंडामेंटल ऑपरेशन है ना, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पहला होता है एडिशन। इसमें पहला क्या होता है? एडिशन। मान लो पहला वाला जो है वो क्या है? एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम है z1 एंड दूसरे का नाम है z2। एक का नाम z1 है और दूसरे का नाम है z2। तो जो z1 है, वो है तुम्हारा a प्लस आई बी, और जो z2 है ना, z2 है वो तुम्हारा c प्लस आई बी। हमेशा ध्यान में रखो,
अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो है तो एक को जेड वन बोल दो, दूसरे को जेड टू बोल दो, तीसरे को जेड थ्री बोल सकते हो। ऐसे चार है तो जेड फोर आ जाएगा। देखो अब हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला मैं देख रहा हूं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जो क्या है ए प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू जो क्या है सी प्लस आई डी। तो जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड वन प्लस जेड टू, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किससे डिनोट की जाती है जेड वन प्लस जेड टू, यानी मेरे को जेड वन और जेड टू को एड करना है। तो Z1 क्या है तुम्हारा, Z1 जो है Z1 क्या है तुम्हारा A plus IB, A plus IB और बीच में साइन क्या है प्लस, मैं क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं प्लस। Z2 क्या है तुम्हारा C plus IB, C plus IB, ठीक है। तो एडिशन करते हुए हमेशा ध्यान में रखना रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना। तो देखो ये बन जाएगा A plus C और यहां से मैं आई कॉमन ले लेता हूं प्लस आई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बना बी प्लस ए, दैट इज योर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तुम्हारा Z1 प्लस Z2 है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन इस तरह की जाती है। देखो फिर रियल पार्ट आपको पता है ए और सी अगर रियल है तो आपको उसको ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर बनेगा। तो यहां पर ये जो है ये क्या रहेगा तुम्हारा रियल पार्ट रहेगा ऑफ जेड, ठीक है Z means complex number Z1, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा imaginary part रहेगा, ये तुम्हारा imaginary part रहेगा of Z1 plus Z2, ये Z1 plus Z2, ये तुम्हारा Z1 plus Z2, क्योंकि दो complex number मिलके हमेशा result complex number देगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके हमेशा रिजल्ट क्या देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, आप अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये भी देखो ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लो आपको बोला गया है वी हैव ए Z1 equal to 2 plus 3i and Z2 equal to 1 plus 4i, ठीक है। और एंड फाइंड Z1 plus Z2, Z1 plus Z2। अब इसको मुझे Z1 plus Z2 फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Z1 plus Z2 यानी Z1 plus Z2 मेरे को फाइंड करना है। सबसे पहले तो Z1 क्या है तुम्हारा Z1 एंड 2 प्लस 3i, इधर 2 प्लस 3i मैं क्या कर रहा हूं एडिशन कर रहा हूं प्लस, ठीक है। और Z2 क्या है तुम्हारा, Z2 है तुम्हारा 1 प्लस 4i, 1 प्लस 4i। तो मैंने बोला था कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन करता हूं तो रियल को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। तो देखो 2 प्लस 1 क्या बना 3, उसके बाद देखो 3i प्लस 4i यानी 3 में 4 मिला दोगे तो 7 आ जाएंगे 7 प्लस 7i। आप देख मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करता हूं ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो आप देख सकते हो मैंने Z1 और Z2 को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया तो जो रिजल्ट बना वो क्या था 3 प्लस 7i और ये 3 प्लस 7i क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन मैंने देख ली है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको डिनोट किया जाता है Z1 प्लस Z2 से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड फंडामेंटल ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सपोज मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है तुम्हारा Z1 जो क्या था तुम्हारा A प्लस IB था, ठीक है, और दूसरा जो तुम्हारा था Z2 जो क्या था तुम्हारा C प्लस IB। तो
तो हमेशा देखो कि सब्ट्रैक्शन, अगर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो डिनोट किया जाता है z1 माइनस z2 से। That is your subtraction of complex number. अब देखते हैं इसको कैलकुलेट किया है कैसे जाता है। अच्छा, z1 तुमको पता है क्या है, a plus ib, a plus ib, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस। अब देखो माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट देना जरूरी है। माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है इसीलिए मैं ब्रैकेट देता हूं और लिखता हूं z2 को c plus id। इसको मैं क्या लिखता हूं, c plus id। अब देखो ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर ले आएगा और क्या करेगा, अंदर वाले टर्म का साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस सी बनेगा, ये माइनस आईडी बनेगा। तो ए प्लस आईडी माइनस सी माइनस आईडी। और बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब देखते हैं, देखो ये क्या बना, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ठीक है। यहां से आई कॉमन ले लो, प्लस आई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रहेगा, बी माइनस डी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2। ये क्या हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2। इसमें ये जो है तुम्हारा रियल पार्ट है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा है इमेजिनरी पार्ट है, ये जो तुम्हारा है इमेजिनरी पार्ट। देखो पार्ट अगर मैं बोलता हूं तो i को नहीं लेना है ना, रियल पार्ट क्या है a माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, i को छोड़ के जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, वो क्या होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। अब देखते हैं इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 i एंड z2 इक्वल टू 4 माइनस i, हमको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा, इसका सॉल्यूशन करूंगा। मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं z1 माइनस z2 कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, z1 माइनस z2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो z1 क्या है तुम्हारा, z1 है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसीलिए माइनस। देखो माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है तो हमेशा क्या देना है, ब्रैकेट देना है। तो देखो z2 में दो टर्म है इसीलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूं 4 माइनस i। उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये 2 प्लस 3i माइनस 4 प्लस आई। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल रूल, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी 2 माइनस 4 रिजल्ट आया माइनस 2। उसके बाद 3 प्लस आई दैट इज प्लस 4 आई दैट इज प्लस 4 आई। इस तरह मैंने z1 माइनस z2 कैलकुलेट किया, इस तरह मैंने क्या किया, z1 माइनस z2 कैलकुलेट किया। अब देखते हैं इसी का दूसरा, ये मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, z2 माइनस z1, है ना। अब देखो z2 माइनस z1 में z2 क्या रहेगा, आगे रहेगा, और z1 क्या रहेगा, पीछे रहेगा। अब देखो z2 माइनस z1 के लिए सबसे पहले तो z2 क्या है तुम्हारा, z2 है तुम्हारा 4 माइनस i, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं माइनस। माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है तो क्या देना है, ब्रैकेट। और z1 क्या है तुम्हारा, 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। अगेन माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये बन गया 4 माइनस i माइनस 2 माइनस 3i माइनस 2 माइनस 3i। अब देख सकते हो यहां पे 4 माइनस 2 कितना मिला, 2, और माइनस i माइनस 3i यानी माइनस 4i। तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया z2 माइनस z1। इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। और हमेशा ध्यान में रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, जो भी करता हूं, तो जो रिजल्ट बनता है ना, वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है।
तो ये थे हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने एडिशन देखा और उसके बाद हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये हम जो ऑपरेशन है फंडामेंटल ऑपरेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको ये थ्योरी लिख देना है, मैंने थ्योरी बोलते हुए एक्सप्लेन कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सुन लो आप, है ना। मैंने बोला था द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसको डिनोट किया जाता है जेड से, है ना। जिसको कहां से डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड डिनोट करो, दो है तो एक को जेड वन दूसरे को जेड टू डिनोट करो, और ये सभी नोटिस कर नोट कर लो। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंडामेंटल रूल ध्यान में रखना, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बाकी फंडामेंटल ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।